दस्तक दे चुका है टीवी का सबसे बड़ा विवादित शो बिग बॉस। इस बार बिग बॉस का सीजन 13 कलर्स टीवी पर आ चुका है और ऐसे में बिग बॉस के फैंस काफी खुश हैं, क्योंकि फैंस कर रहे थे बेसब्री से बिग बॉस का इंतजार और फाइनली उनका ये इंतजार खत्म हो चुका है। ऐसे में इस बार बिग बॉस से कई टीवी सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया है। टीवी की दुनिया से कई स्टार्स हैं, वहीं कुछ मॉडल्स हैं तो फिर एंकर भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। सो फ्रेंड्स, इस बार बिग बॉस में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस में इस बार का क्या हाल होता है, कैसे फैलता है रायता, कैसे होते हैं झगड़े। यूं तो आज रात का शो पहला एपिसोड टेलीकास्ट होने पर ही पता चलेगा। वेल, ये तो था बिग बॉस की बात, लेकिन इस बार बिग बॉस में क्या बड़ा बदलाव है ये तो आप जान ही गए होंगे। शो में आएंगी अमीषा पटेल नजर, जिन्हें देखकर आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अमीषा पटेल क्या करने वाली हैं। दरअसल शो के ऑन एयर होने से पहले ही अमीषा को देखकर सभी कंफ्यूज हो गए थे। बता दें कि शो की लॉन्चिंग के दौरान अमीषा भी नजर आई थी और उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर रोने के लिए आई हैं या फिर रुलाने के लिए। जवाब में अमीषा कहती हैं कि मैं ना रुलाऊंगी और ना ही रोंगी, बस थोड़ा सा हक जमाऊंगी। वहीं सलमान जब पूछते हैं कि ये जो घर वाले अंदर जा रहे हैं, क्या आपने इसके बारे में रिसर्च किया है? इस पर अमीषा ने कहा, बहुत रिसर्च किया है ज्यादातर कंटेस्टेंट पर जो घर के अंदर जा रहे हैं, वे सिंगल हैं और मैंने सबके बीच काफी स्पार्क्स देखे हैं, तो वे घर में सिंगल जाएंगे और शायद डबल निकलेंगे। वहीं साथ ही अमीषा ने एक वीडियो कैप्शन में लिखा है कि हर कंटेस्टेंट पर नजर रखने आई हैं अमीषा पटेल, ये कौन सा ट्विस्ट है? देखने के लिए आपको देखना होगा बिग बॉस सीजन 13। घर में एंटर कर चुके हैं बिग बॉस सीजन 13 की शुरुआत हो चुकी है। शो ने इस बार कई सारे बदलाव किए गए हैं और शो में कंटेस्टेंट के अलावा एक और बड़ा सरप्राइज लोगों के सामने आना बाकी था, जो थी अमीषा पटेल। अमीषा पटेल को लेकर जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही थी कि क्या करेंगी अमीषा पटेल। आपको बता दें कि अमीषा पटेल इस बार शो में लेडी होस्ट की भूमिका प्ले करती नजर आएंगी। शो में अमीषा के किरदार को लेकर भारी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन शो के प्रीमियर पर इस बात का खुलासा हो गया था कि आखिरकार अमीषा पटेल शो में किस रूप में नजर आएंगी, ये तो आपको कल ही पता चल गया होगा। वहीं शो में अमीषा ने धमाकेदार डांस के साथ शिरकत की और उन्होंने इंट्रोडक्शन भी दिया। साथ ही उन्होंने शो में खुलासा किया कि वो घर में मालकिन बनकर पहुंच रही हैं और वो कंटेस्टेंट को टास्क देती नजर आएंगी। वहीं साथ ही आपको बता दें कि अमीषा पटेल के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है जो कि उनको मिला है। अमीषा को घर के अंदर घुसने की इजाजत होगी, वे कंटेस्टेंट के राज खोलती नजर आएंगी। वहीं शो में हर सीजन में ऐसा नहीं देखा गया था जो कि इस बार देखा जाएगा। एक तरफ किसी की तूतू मैमे होती है तो दूसरी तरफ शो में कंटेस्टेंट के बीच प्यार पनपते देखा जाता है और इन्हीं चीजों का खुलासा करती नजर आएंगी अमीषा पटेल। जी हाँ, अमीषा पटेल लोगों की पोल खोलती हुई नजर आएंगी। ऐसे में ये कह जाना गलत नहीं होगा कि अमीषा ने शो की कंटेस्टेंट को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब सलमान ने अमीषा से पूछा कि वे किसके भेद खोलती नजर आएंगी, तो इसके जवाब में अमीषा कहती हैं कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच के रोमांस की खबर रखेंगी। इसके साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर कई सारे लोग जो सिंगल बनकर रहकर आए हैं, वे घर के अंदर मिंगल भी बन सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि उनकी शहनाज सिंह और पारस पर हमले पर भी नजर है। तो दर्शकों, ये सब पता चलेगा आज रात के शो में, जो कि 10:30 बजे कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होगा। इस बार ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि एक्ट्रेस अमीषा पटेल मालकिन बनकर आई हैं, तो ऐसे में घर में क्या बदलाव आते हैं, क्या देखने को मिलता है, क्या कंटेस्टेंट अमीषा की इन नजरों से बच कर रह पाएंगे, ये तो आज रात का शो टेलीकास्ट होने पर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। We'll be right back.